द टॉपिक इज़ गोइंग टू बी द चाइल्ड इज़ द फ़ादर ऑफ़ मैन द चाइल्ड इज़ द फ़ादर ऑफ़ मैन तो इसका मतलब क्या है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ और पैराग्राफ वाइज जो एक्सप्लानशन में करूँगी उसके लिए रिमेंबर करने के लिए पैराग्राफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें से मैं आपको मेमोरी हुक दूँगी तो उस हुक के जरिए आप पूरा पैराग्राफ को रिमेंबर कर सकते हैं कि वो पैराग्राफ किस एग्जाम्पल को लेकर बनाया गया है ठीक है तो विदाउट मच डिले लेट्स बिगिन विद द क्लास फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका माने क्या है मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि जो इंसान बचपन में जैसा रहता है जैसे उसके भाव भाव होते हैं वो ही बाद में जाके बनता है जैसे कोई बचपन में बहुत ही ब्रेव हो तो इन फ्यूचर भी वो ऐसे काम करेगा जो कि ब्रेवरी के साथ रिलेटेड हो जैसे सोल्जर बन जाएगा पुलिस बन जाएगा ठीक है या फिर कोई सेल्फ डिफेंस का काम करेगा सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर बन जाएगा तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो इंसान बचपन में जैसा होता है फ्यूचर में वैसा ही बनने के चांसेस बहुत होते हैं तो ये रहा इसका मीनिंग अब चलते हैं कि ये कहाँ से आया है इसका ओरिजिन कहाँ से है तो इसका ओरिजिन है तो इसका विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएट्री माई हार्ट लिप्स वैन आई बी होल्ड ऑफ ये जो पोएट्री है इससे आया है ये टाइटल तो आपको बताना है कि दिस टाइटल और द फ्रेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री माई हार्ट लिप्स वैन आई बी होल्ड ऑफ ओके अगर इसका मैं पूरा लाइन बोलूँ तो ये है माई हार्ट लिप्स वैन आई बी होल्ड ऑफ रेमबो इन द स्काई सी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द चाइल्ड हुड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर पर्सनैलिटी जो बचपन में हम लोगों के ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी होता है वही फ्यूचर में जाके भी रिवील होता है ये कॉन्क्रीट शेप मतलब एक ठोस बिहेवियर बन के निकलता है ठोस पर्सनैलिटी बन के निकलता है द हैबिट्स ट्रेड्स क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन आर यूजली द डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स ट्रेड्स क्वालिटीज ही हैड एज अ चाइल्ड तो जो क्वालिटीज़ हम लोग डेवलप्ड मैन या वुमेन में देखते हैं वो ट्रेड्स उनमें बचपन में ही इनग्रेन यानी कि इन इंस्टिल यानी कि भर दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट अ केयरफुल स्टडी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज इन अ चाइल्ड कैन हेल्प अस टू फोटेल हिज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जो बच्चा बचपन में जिस तरीके का इंक्लाइनेशन दिखाता है उसी तरीके का उसके करियर भी चॉइस कर सकते हैं इसमें हेल्प मिलता है होटल मतलब भविष्य बताना तो बचपन में देख के ही हम लोग बच्चे को बता सकते हैं कि फ्यूचर में किस और इसका इंक्लाइनेशन हो सकता है अगर कोई बच्चा फाइनेंस में पैसों के साथ लेन देन में बहुत ही कॉशियस है पैसों का लेन देन उसके बाद उसको कहाँ यूज़ करना है कितना वेस्ट हुआ कितना सेव किया कौन से गेस्ट ने कितने पैसे उसके हाथ में दिए वो सब का लेखा जोखा रखता है तो मोस्ट प्रोबली वो अपने स्कूल में जब वो टेंथ पास कर लेगा तो वो कॉमर्स लेके पढ़ेगा उसके बाद में फ्यूचर में भी वो जो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व होगा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये हम लोग फोटेल कर सकते हैं बता सकते हैं बचपन में ही तो इस पैराग्राफ के लिए इस पैराग्राफ के लिए की हुक होगा फोटेल मतलब भविष्य हम लोग बता सकते हैं ये भविष्य बताने का जो की हुक यानी कि मेमोरी हुक है उसे आपको ये पूरा पैराग्राफ का जिस्ट पता चल जाना चाहिए कि जो बचपन में जैसा लोग दिखते हैं उसका फ्यूचर भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करते हैं चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे द चाइल्ड हुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे ये हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस प्रोवर्व को भी ये हम लोगों का टाइटल को प्रूव करने के लिए सही The child is the father of a man is proved true in many cases. See the example of Shivaji. Shivaji महाराज का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं बचपन में वो बहुत ही brave थे isliye वो बाद में जाकर भी अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर पाए अगर बचपन से ही वो डरपोक रहते तो अचानक से फ्यूचर में जाके उनमें ये सब क्वालिटीज़ आ जाए ये पॉसिबल नहीं होता इसलिए फर्स्ट example है शिवाजी का और नेक्स्ट है हीरोज़ ऑफ रामायणा एंड महाभारत रामायणा जो कि हिंदू का एपिक बुक है और महाभारत भी तो इसमें जो भी स्टोरीज मेंशन किया है उसमें ग्रेट वॉरियर्र्र्र्स को हम लोग देखते हैं तो वो ग्रेट वॉरियर्स बचपन से ही वॉरियर्स थे बचपन से ही उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया था जो कि अन इमेजिनेबल था ठीक है आप ले लीजिए राम का बचपन में ही उन्होंने बहुत सारे देवियों को मारा था कृष्ण भगवान ने भी मारा था और महाभारत में जो योद्धा लड़े थे पांच पांडव हो या फिर कौरव हो दोनों ही ग्रेट वॉरियर्स थे ये बात अलग है कि एक ने त्रूथ का साथ दिया और दूसरे ने उसको स्पॉइल करने की कोशिश की तो नेक्स्ट चलते हैं इंडिया से बाहर और हम लोग चलते हैं माइकल एंजलो माइकल एंजलो के बारे में सभी ने सुना होगा और वो थे पेंटर और स्कल्पचरिस्ट ठीक है मूर्तिकार और पेंटर माइकल एंजलो बचपन से ही बहुत ही एक्सपर्ट थे ड्राइंग्स जो कि वो पॉट्स पे करते थे इसमें फ्रेम्स में करते थे जो कि पोस्टर को या फिर पेंटिंग्स को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है स्टूल्स टेबल चेयर सभी को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव थे और हर जगह उनको आर्ट करने का मन होता था इसी की वजह से वो फेमस हुए के इस आर्ट के पैशन को देख के एक ओल्ड पेंट पेंटर ने कहा था कि वो बाद में जाके बहुत ही बड़े पेंटर बनेंगे और सभी को पीछे छोड़ देंगे नेक्स्ट है अ यंग इटालियन लैड लैड मतलब बॉय लड़का ओके टाइटियन टाइटियन एंड टाइटियन भी एक पेंटर थे वो पेंटिंग करते थे और बचपन से ही उनका इंक्लाइनेशन देख के लोग बोलते थे कि वो बहुत ही वंडरफुल पेंटर बनेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया आपको शिवाजी महाराज का दिया रामायण महाभारत से दिया उसके बाद माइकल एंजेलो का दिया उसके बाद टीटीएन का दिया नेल्सन द डेरिंग नेवल कमांडर ऑफ ब्रिटिश नेवी शोड हिज ट्रेट्स ऑफ कारेज एंड फेयरलेसनेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड तो नेल्सन जो है उन्होंने भी अपना कमांडरशिप जब उन्होंने अटेंड किया उस पर भी उन्होंने अपना फियरलेसनेस दिखा के बचपन से ही वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड बने और बाद में जाके जब वो कमांडर बने तो लोगों का आश्चर्य बिल्कुल नहीं था क्योंकि बचपन से ही उन्होंने वो ट्रेट्स दिखाना शुरू कर दिया था अब चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही उम्दा फ्रीडम फाइटर थे और जब वो स्टूडेंट थे तभी से उनमें ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ थी वो देखने को मिल गया था वो बहुत ही ग्रेट ऑर्गेनाइज़र थे कोई भी चीज़ को प्लान आउट करने के लिए कोई भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए वो माहिर थे सुभाष चंद्र बोस ने अकेले सिंगल हैंडली फोर्टी थाउजेंड सोल्जर्स को एक्यूमोलेट किया था और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था उन्होंने तो आज भी इंडिया के जो लोग हैं वो सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इज्जत के साथ देखते हैं क्योंकि वो हम लोग जितना इज्जत देते हैं उससे बहुत ज्यादा पाने के हकदार हैं चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं सी वी रमन डॉक्टर सी वी रमन द फर्स्ट इंडियन एशियन टू विन द नोबल प्राइज वो एशियन महाद्वीप के फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबल प्राइज को रिसीव किया था किस लिए किया था क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही बहुत ही दिमाग के तेज से और बड़े होकर भी वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने ऐसा नहीं है कि वो बड़े होने के बाद में उनमें सभी साइंटिस्ट के गुण आ गए बचपन से ही वो वेल यू नो कीन ऑब्ज़र्वर थे जिसकी वजह से जो भी चीज़ें उनके आसपास हो रही थी उसके लिए वो बहुत ही उत्सुक होते थे इंक्विजिटिव थे ठीक है तो इनक्विजिटिवनेस की वजह से ही वो एक साइंटिस्ट बन पाए उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ को इवॉल्व किया था द थ्योरी ऑफ रेडिएशन द थ्योरी ऑफ मोलिकुलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सेट्रा तो ये सभी चीज़ों के लिए उनको नोवल प्राइज़ मिला था और ये पॉसिबल हो पाया वो बचपन से ही अलर्ट थे इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ये जो लोग हैं वो एक बहुत ही यंग एज में शहीद हो गए थे ठीक है बहुत ही यंग एज में तो ऐसा नहीं है कि वो जब आ, जवानी के यू नो दहलीज पे कदम रखा उन्होंने तभी उनमें देशभक्ति आ गई ऐसा बिल्कुल नहीं था बचपन से ही उनमें ये इंस्टिल किया गया था इनमें भरा गया था और जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई यंग आ, लोग देश के लिए मर मिटने वाले हैं तो उनका बैकग्राउंड में ही कोई ना कोई सोल्जर होता है कोई ना कोई, कोई घर में ही ऐसे होते हैं जो कि अपने देश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं तो इन सभी के स्टोरीज में भी हम लोग सेम पाते हैं तो बचपन से जो देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी थे वो बाद में जाके वही काम उन्होंने किया जिसकी वजह से हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे फ्रेंड्स इस पैराग्राफ के लिए की हुक आप सी वी रमन को रख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट uh, साइंटिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ को आपको बिल्कुल मेंशन करना है और भगत सिंह और उनके ग्रुप तो आपको याद रहेंगे ही तो आप दो चीज़ ले लीजिए इस पैराग्राफ के लिए सीवी रमन को आपको डॉक्टर सीवी रमन को आपको याद करना है और रेवोल्यूशनरी uh, पर्सनालिटी भगत सिंह जी को नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि पेशेंट्स uh, को ट्रीट करने के लिए जाने जाते हैं जो वॉर्स में चोट पटक लगती है उसको नर्चर करने के लिए वो निकल जाती थी अपना लैंटन लेके मेडिसिन देने के लिए वो एक नर्स थी तो ये जो क्वालिटी है उनमें बचपन में, में ही दिख गया था कहीं पे भी कुछ भी होता था तो वो एक एम्पथी सामने लाती थी एम्पथी का इमोशन उनमें होता था और जो भी उनके बस में हो जो भी उनके हक में हो वो कर देती थी मेडिसिन दे सकती थी तो मेडिसिन देती थी अगर उसको कोई खाना खिलाना है वो भी करती थी तो इसकी वजह से हम जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नेक्स्ट मिकाले कैन बी कोटेड टू प्रूव दरासिटी ऑफ द प्रोवर्व दैट द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन ठीक है तो यही इस सब एग्जाम्पल की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि फादर सॉरी द चाइल्ड इज़ द फ़ादर ऑफ़ मैन लेकिन यहाँ पे बट जो लगाया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमको जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही बोलेंगे अगर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि नहीं जो हम लोग बचपन में बच्चों को देखते हैं वो बाद में जाके कुछ और भी बन सकते हैं तो एग्जाम्पल के साथ अगर आप सब्सटैंशिएट करते हैं अपने बातों को तो वो भी वैलिड होता है तो चलिए देखते हैं कि अब ये जो टॉपिक है उसके अगेंस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं सी वी कैन फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउज अदर एग्जाम्पल्स वेयर चाइल्ड हुड ऑफ अ मैन डिड नाट रिफ्लेक्ट एनी थिंग अबाउट द ग्रोन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन यानी कि बचपन में कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट थे और बाद में जाके उन लोगों ने अपोजिट ट्रेट्स दिखाया और कुछ बच्चे बचपन में डल आर थे ठीक है डल आर मतलब बुद्धू थे ईडियट थे लेकिन बाद में जाके उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसकी वजह से दुनिया उनको याद करती है और उनके सामने नतमस्तक है तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं सोनिया गांधी सोनिया गांधी ने कभी भी अपने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि वो एक नेता बनेंगी वो भी इंडिया का इटली से आके इधर यहाँ पे वो पॉलिटिक्स में आएंगी ये कभी नहीं सोचा होगा क्योंकि वो बार में काम करती थी जिसकी वजह से उनको यहाँ इंडिया में आके राजनीति में अपना करियर बनाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने किया ये अलग बात है कि उन्होंने आ, कोई पोस्ट यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई लेकिन फिर भी जो फील्ड में वो आई वो भी अनइमेजिनेबल है नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई सोनिया गांधी जो कि दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दो शी डिड नॉट एक्सेप्ट द पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टरशिप दिया गया था नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री नेवर शोड एनी सच ट्रेट इन हिज चाइल्डहुड लाल बहादुर शास्त्री वो ऐसे लीडर थे जिस जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था और इतने बरेवरी के साथ में वो डिसीजंस लेते थे कि आज तक हम लोग जो हमारे लीडर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग ख़ुद इंस्पिरेशन लेते हैं इसी की वजह से उनकी क्वालिटीज़ की वजह से उनके दुश्मनों ने दूर दराज ले जाके उनका कत्ल किया था उनका मर्डर किया था लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो एक एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन बाद में हम लोग उनको एक बहुत ही उम्दा लीडर के तौर पे देखने को मिला नेक्स्ट जज बर्नार्ड शॉ जज बर्नार्ड शॉ जो कि एक राइटर है लिटरेरी फिगर है वो भी एक होपलेस डलार्ड थे मतलब बचपन में उनका दिमाग उतना स्मार्ट नहीं था जितने कि वो बाद में बने महात्मा गांधी महात्मा गांधी का इंक्लानेशन एक बैरिस्टर बनने का था लेकिन बैरिस्टर बन सक मतलब बैरिस्टरशिप के लिए उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ गए और नेता बन के उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया नेक्स्ट शैली पी. बी शैली जो कि ग्रेट पोएट और राइटर हैं उन पे उन बचपन में वो वैसे नहीं थे नेक्स्ट अमिताभ बच्चन वो भी बचपन में ऐसे नहीं थे जो कि सुपरस्टार बन जाए लेजेंडरी सुपरस्टार बन जाए लेकिन वो बने और वो क्वालिटीज़ उन्होंने बाद में किया थ्रू ट्रेनिंग एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने जो आज नाम, शोहरत, दौलत सब सब कुछ पाया है ये सब उनके मेहनत की वजह से है जो कि बचपन में हम लोग नहीं देखते फ्रेंड्स इस पैराग्राफ के लिए की हुक होगा नॉट ठीक है सिर्फ नॉट ओ टी नॉट मतलब कि जो बचपन में कुछ और थे और बाद में जाके कुछ और बने तो जो ट्रेड बचपन में था दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आवर मच्योर सेल्फ मतलब कि जो कि ग्रोन अप हो चुका है वो तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाल बहादुर शास्त्री जी जॉर्ज बनर शॉ महात्मा गांधी शैली अमिताभ बच्चन ओके आप किसी को भी उठा के ले लीजिए अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आप दो दो करके निकालने से भी बहुत सारे आपके पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम्पल के साथ आपको ये वर्ड्स भी लिखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए मैं बताती हूँ कि ये क्या है इंस्पाइड ऑफ एपरेंट एक्सेप्शन मतलब वैलिड फॉर्म एक्सेप्शन इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड आर डेवलप्ड इन द ग्रोन अप परसनैलिटी ऑफ अ मैन सर्कमस्टांसिस कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन फेथ एंड को इंसिडेंस प्ले अ ग्रेट रोल इन डेवलपिंग क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन यानि की जैसे जैसे हमारे लाइफ में मोड आते हैं वैसे वैसे हम लोग क्वालिटीज़ गेन करते हैं जैसे कि अगर हम लोगों हम लोग सीधे साधे हैं लेकिन ज़रूरत पड़ा तो हम लोगों को किसी को कूटना भी पड़ेगा ठीक है किसी से मिल के भी रहना पड़ेगा किसी को अवॉइड भी करना पड़ेगा तो ये सब लाइफ हम लोगों को जैसा सिचुएशन दिखाता है वैसे ही हम लोग को एक्ट करना पड़ता है तो इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बचपन में जैसा था वैसे ही हमको फ्यूचर में भी रहना है नहीं बचपन में हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं पेरेंट्स से ठीक है अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से लेकिन बाद में जाके अकेले जब लाइफ का हम लोग फेस करते हैं तब हम लोग बहुत ही बोल्ड हो जाते हैं ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीधी सादी लड़की होती है जो शादी करके माइ ससुराल में जाती है उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो हिंसक हो जाती है तो बाद में जो उसके मायके वाले हैं वो देखते हैं तो उसको लगता है कि अरे मेरी बेटी तो बहुत सीधी थी ठीक है यही होता है लड़कों के साथ भी तो हम लोग फॉर्मली नहीं कह सकते कि जो बच्चे बचपन में सीधे साधे थे वो बाद में जाके भी वैसे ही रहेंगे और होना भी नहीं चाहिए ठीक है अदरवाइज बेनिफिट रॉन्ग बेनिफिट लेता है सोसाइटी वो साइलेंस का वो सीधापन का तो उसके लिए हम लोग को रेडी रहना है जैसा फेथ ठीक है हमारे भाग्य में है और जो हम लोगों को कोंसिडेंट से मिलता है वो उस पर भी हम लोग को डिपेंड करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में एन एवरेज चाइल्ड कैन रीच दी हाइस्ट पोजिशन एंड अ ब्रिलियंट मे हैव टू सर्वाइव इन रेक्टीट्यूड नाउ सी हीर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा बचपन में एवरेज परफॉर्म करता था उसको सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो और जो बच्चा एवरेज था वो उसको हाई पोजिशन मिल जाए ये हो सकता है तो फ्रेंड्स इस पैराग्राफ के लिए स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ के लिए आपको की हुक जो रिमेंबर करना है वो है फेथ एंड को ठीक है क्योंकि फेथ एंड कोइंसिडेंस पे ही डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे मोल्ड होते हैं कैसे चेंज होते हैं ठीक है ठीके? आपको मेंशन करना है कि फेथ एंड कोइंसीडेंस जो हमारे भविष्य सॉरी नसीब में है और जो सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बनते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एज द ट्रिक इज़ बेंट सो द ट्री विल ग्रो मतलब जो एक छोटा सा ब्रांच जो सीड से निकलता है उसको जिस तरीके से हम लोग शेप देते हैं उसी तरीके का वो ट्री भी बनता है अगर वो टिल्टेड है अगर वो टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही ट्री ग्रो करता जाएगा अगर उसको सीधा रख दें तो वो सीधा ही ग्रो करेगा आपने देखा होगा डिफरेंट गार्डन ओके okay, जो ट्री का जो नॉर्मल शेप है उस शेप में नहीं है उसमें हार्ट जैसा शेप बना है किसी को नॉट जैसा बनाया है ठीक है और किसी को कुछ और शेप में दिया गया है तो ये सब इसलिए क्योंकि बचपन से उन पर काम किया गया है मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का आप भविष्य चाहते हैं उसी तरीके से आप बचपन में मेहनत कीजिए तो बाद में जाके आपको रिज़ल्ट दिखेगा ज़रूर हम रिलाई नहीं कर सकते कि बच्चे लोग जैसा होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा फ्यूचर में हो नाइनटी नाइन परसेंट जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर में जाके वही ट्रेड्स दिखाते हैं जो बचपन में उन्होंने दिखाया हो या सीखा हो और वन परसेंट जो है उनमें वेरिएशंस आते हैं तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं कीप बींग इन आवर चैनल कीप वॉचिंग देन वी मीट टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर सी बी एस एग्जामिनेशन